हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, एसएससी कितना फास्ट काम कर रही है। उन्होंने अभी जस्ट दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू और टीपीओ का रिजल्ट अपलोड किया। उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और अभी जस्ट उन्होंने 2023-24 का कैलेंडर भी अपलोड किया है। देखिए आप लोग के लिए एसएससी कितना फास्ट काम कर रही है। तो कैलेंडर देखिए आप लोग के बीच मैंने डाउनलोड कर लिया है, और देखिए इसमें क्या क्या है। अभी जो जीडी का एग्जाम होने वाला है, एसएससी जीडी का, जो 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक फॉर्म भरा गया था, इसका एग्जाम जनवरी फरवरी 2023 में होगा। ये आप लोग को पता ही होगा। सीएचएसएल 2022, जिसका फॉर्म अभी भरा जा रहा है, 5 जनवरी तक भरा जाएगा, इसका एग्जाम डेट इन्होंने घोषित कर दिया, जो कि मार्च 2023 में होगा। और एमटीएस जो आने वाला था 2022 का, वो 17 जनवरी को आएगा। उसका नोटिफिकेशन 17 जनवरी से लेके आप लोग 17 फरवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उसका एग्जाम अप्रैल 2023 में होगा। उसके बाद देख लीजिए, इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का भी बता दिया है। तो इसका आप लोग 24 फरवरी से 17 मार्च तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, और मई जून 2023 में आपका एग्जाम लेगी। वहीं देख लीजिए, सीजीएल 2023, 2022 वाला तो आप लोगों ने एग्जाम दे दिया, लेकिन सीजीएल 2023 जो कि 1 अप्रैल 2023 को आने वाला है, 1 अप्रैल 2023 से 1 मई 2023 तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। वहीं इसका एग्जाम जून जुलाई 2023 में कराया जाएगा। और देखिए, अभी सीएचएसएल का फॉर्म भरा ही जा रहा है 2022 वाला, और 2023 का देख लीजिए। यहाँ पे सीएचएसएल जो कि 9 मई को आप लोग के बीच आएगा, 9 मई से 8 जून तक इसका फॉर्म भराया जाएगा, और अगले ही मंथ यानी कि जुलाई अगस्त में आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। तो देखिए इतना फास्ट काम कर रही है एसएससी। अब आप लोग को एक्टिव होने की जरूरत है। आप लोग अब एसएससी को दोष नहीं दे सकते हैं। देखिए अभी एमटीएस का फॉर्म 17 जनवरी को 2022 का आएगा, और वहीं 14 जून को 2023 का आएगा। देख लीजिए 7 नंबर में कि मल्टीटास्किंग स्टाफ टीयर 1, 14 जून 2023 को आपके बीच फॉर्म आएगा, और 14 जुलाई तक भरा जाएगा, जिसका एग्जाम अगस्त सितंबर 2023 में होने वाला है। वहीं देख लीजिए, सीपीओ का भी जस्ट रिजल्ट आउट हुआ है, और सीपीओ का फॉर्म 20 जुलाई से 13 अगस्त के बीच भरा जाएगा, जो कि अक्टूबर 2023 में उसका एग्जाम होगा। और फिर जूनियर इंजीनियर का है, ये 26 जुलाई से 16 अगस्त तक होगा, और इसका भी एग्जाम अक्टूबर 2023 में ही होगा। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड CND, इसका फॉर्म 2 अगस्त को आएगा और 23 अगस्त तक भरा जाएगा, इसका भी एग्जाम अक्टूबर नवंबर के बीच में ही लिया जाएगा। फिर उसी तरह से देख लीजिए, ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, इसका भी फॉर्म अगस्त में ही आने वाला है। और उसके बाद देख लीजिए, सेंट्रल सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसका फॉर्म 1 सितंबर से 22 सितंबर तक भरा जाएगा, और एग्जाम इसका दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच में होगा। फिर उसके बाद SSA UDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपिटिटिव एग्जामिनेशन 2018-19, जो 2018-19 का पोस्ट खाली है, उसके लिए 2023 में 8 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023 के बीच में इसका फॉर्म भरा जाएगा, और इसका एग्जाम भी आप लोग का जनवरी 2024 में होगा। और फिर दोबारा से स्टेनोग्राफर का आएगा, जो कि 15 सितंबर 2023 को आएगा, और 19 अक्टूबर 2023 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। फिर उसके बाद JSA LDC ग्रेड लिमिटेड का आएगा, जो कि 22 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच फॉर्म भरा जाएगा, और इसका भी एग्जाम जनवरी फरवरी 2024 में होगा। उसी तरह से देख लीजिए, सेंट्रल सेक्रेटरिस्ट का है, ये 29 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आएगा। फिर JSA LDC ग्रेड है 2021-22 वाला, इससे पहले उन्होंने 18-19 वाला लिया, फिर 21-22 वाला, जो कि 6 अक्टूबर 2023 से 27 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म भरा जाएगा, और फरवरी मार्च में एग्जाम होगा। फिर SSA UDC 2020 से 22 वाला, 13 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच फॉर्म भरा जाएगा, और फरवरी मार्च में इसका भी एग्जाम होगा। और फिर स्टेनोग्राफर डिपार्टमेंटल होगा, जो कि 20 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक आएगा। तो देखिए, इन्होंने 19 एग्जाम का कैलेंडर जारी किया है, 19 एग्जाम, जिसमें आपका जीडी है, सीएचएसएल 2 है, 2 एमटीएस है, सिलेक्शन पोस्ट है, सीजीएल का 2 है, फिर देख लीजिए सीपीओ का एग्जाम है, जूनियर इंजीनियर का है, स्टेनोग्राफर का है,
जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का है। तो मतलब जितना भी पोस्ट खाली है मान लीजिए एसएससी में, सभी को वो 2000 फरवरी मार्च 2024 से पहले भरने वाली है। तो आप लोग अब अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि एसएससी ने अपना 2024 तक का कैलेंडर जारी कर दिया है। तो अब एसएससी को आप लोग कोई दोष नहीं दे सकते हैं, तो तैयारी अच्छे से कीजिए। और सभी एग्जाम के लिए मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करते रहूंगा रेगुलर। तो अगर आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और न्यू एग्जाम कैलेंडर का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।